बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और सांसद दीपक प्रकाश के नेतृत्व में बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो के आवास पर मिला। बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने विधानसभा अध्यक्ष से बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष की मान्यता देने की मांग की है। बीजेपी का कहना है कि चुनाव आयोग ने भी बाबूलाल मरांडी को बीजेपी का विधायक और जेवीएम के विलय पर मुहर लगा दी है, ऐसे में अब देर नहीं होनी चाहिए। इधर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि इस संदर्भ में कानूनी राय मांग की गई है। लॉकडाउन के कारण इस दिशा में कार्रवाई धीमी रही, हालांकि विलय को लेकर काफी कुछ जटिलताएं भी हैं। विधानसभा के अंदर विपक्ष के नेता की एक अहम भूमिका होती है। दुर्भाग्य से हम सभी आहर्ताओं को पूरा करते थे। बाबूलाल मरांडी जी का विलय के निर्णय की पुष्टि हमारे चुनाव आयोग, भारत सरकार के, भारत का जो चुनाव आयोग है उसके माध्यम से पुष्टि कई बार नहीं, तीन बार हो चुका है। विधानसभा अध्यक्ष की एक निष्पक्ष भूमिका होती है। अब आम लोगों को लगता है कि कहीं ना कहीं इस पर कहीं कोई राजनीतिक दबाव तो नहीं है, और इसके कारण कई भ्रम की स्थिति पूरे प्रदेश में फैली हुई है। और मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की मांग है कि हम जल्द से जल्द इसको सरकार विधानसभा अध्यक्ष पूरा करें, और विधानसभा अध्यक्ष ने आज आश्वासन दिया है कि इसको जल्द से जल्द हम निर्णय लेंगे। अगर इसमें विलंब होगा तो भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर उतरने में देर न करे। हमारे नेता प्रतिपक्ष के रूप में बाबूलाल मरांडी जी को मान्यता नहीं मिली, जबकि भारतीय जनता पार्टी विधायक दल ने उन्हें अपने विधायक दल का नेता चुन लिया, और चुनाव आयोग ने भी एक बार पहले भी उनके विलय की मंजूरी, भारतीय जनता पार्टी में उनके जाने की मंजूरी दी है। और साथ ही अभी हाल में भी आपने देखा होगा कि हमारे चुनाव आयोग ने स्वीकार कर लिया है कि जो भी विलय हुआ है वो विधि सम्मत है। कंसल्टेशन करने का जरूरत है, लीगल राय लेने की जरूरत है, उस जगह पे इस विषय को भेज दिया है। और बीच में जो 23 मार्च से लेकर के काफ़ी दिन हम सारे लोग लॉकडाउन के चलते अपने अपने घरों में बंद रहे, इस विषय पर हम लोग फिर परस्यू नहीं कर सके, जिसके चलते इसमें काफ़ी विलम्ब भी हुआ है। और लोगों का कहना है कि इसको जल्द निपटारा कर दें, तो जैसे ही ये विषय हम लोगों को लीगल सेक्शन से इस विषय को जो कानूनी इसका समाधान होगा, जैसे ही आएगा हम लोग इसको करेंगे।